ग्वालियर के इंदागंज थाना इलाके में स्थित मंडपुरम गो फाइनेंस लिमिटेड के ऑफिस में काम करने वाले तीन एजेंटों द्वारा ग्वालियर के एक दंपत्ति को गोल्ड गिरवी रख ऊंचा ब्याज दिलाने के नाम पर लाखों रुपए का चूना लगाया गया है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत तीन आरोपियों पर धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। CSP इंद्रगंज विजय भदौरिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हरिशंकरपुरम निवासी महेश जैन की पहचान मणपुरम फाइनेंस लिमिटेड में एजेंट रश्मि शर्मा से हुई थी। रश्मि शर्मा द्वारा इन्हें गोल्ड लोन के नाम पर अच्छा खासा मुनाफा दिलाने का वायदा किया गया, जिसके बाद महेश जैन ने करीबन 3.5 किलो सोना इनके कहने पर गिरवी रखा, लेकिन आरोपियों ने इसके बाद फरियादी को झांसे में लेकर अधिक लोन निकाल लिया और फरियादी को फर्जी रसीदें थमाई गईं। फरियादी को जब शक हुआ तो उन्होंने फाइनेंस के दफ्तर जाकर पड़ताल की, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसमें पता चला कि रश्मि शर्मा ने विनम्र चौधरी और पवन परिहार के साथ मिलकर उनके साथ धोखाधड़ी की इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एक फरियादी के द्वारा बताया गया था कि उसका एक जान परिचय एक महिला से था और महिला मणिपुरम गोल्ड में एजेंट का कार्य करती थी, और महिला के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि आप जो इसमें मणिपुरम गोल्ड में पैसा रखाएंगे उसका एक योजना आई है, उसमें आपको कमीशन या फिर ब्याज के तौर पर कुछ एक राशि मिलेगी, उसमें आपको लोन लेना पड़ेगा आपको। वह उनकी बातों में आ गए और लोन के लिए उन्होंने उसको परमिशन दे दी, और महिला ने जो एजेंट थी वह लगातार लोन लेती रही और उनके बिना जानकारी को उसने बहुत ज़्यादा लोन भी लिया और उनको कम राशि देती रही। बाद में जब उस दंपत्ति को थोड़ा उसके ऊपर शक हुआ, उन्होंने जाकर जब पता किया तो पता पड़ा कि लोन की मात्रा बहुत अधिक थी, काफ़ी मात्रा में लोन निकाला जा चुका था। जब उसने उनसे बात करी तो आमदनी में आनाकानी करी, और इसी दौरान उसने बीच में एक चेक जैसे लगने वाले दस्तावेज को की रचना करी और उसको लगातार उनको देती रही। इस मामले की जांच मेरे द्वारा की गई थी, उसके बाद अभियोजन से राय भी ली गई और उसमें से प्रकरण पंजी संज्ञेय होने के कारण प्रकरण पंजीबद्ध करके मामला विवेचना में लिया गया। ये अभी जो अनुमानित जो बात आ रही है वो गोल्ड है, गोल्ड पिछले किसी जाँचकर्ता अधिकारी के द्वारा सीज भी कराया गया था, लगभग 3-3.5 किलो का बताया गया है, लेकिन अभी उसके दस्तावेज आना बाकी है।